सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। और स्टार्ट करें दोस्तों एक और रिक्वेस्ट के साथ, और रिक्वेस्ट है दोस्तों रेंज बार चार्ट के ऊपर। तो ये सर कहते हैं कि भैया रेंज बार चार्ट जो है वो होता क्या है ये समझा दीजिए, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि रेंज बार चार्ट और जो हमारा रेनको चार्ट है उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो रेनको चार्ट जो भाई लोग नहीं जानते हैं, डिस्क्रिप्शन पे उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों एक ये भी उठता है इसके अंदर कि रेंज बार चार्ट को देख करके क्या ट्रेडिंग की जा सकती है, क्या सिंप्लिसिटी के साथ काम किया जा सकता है, क्या नॉइज़ के बिना काम किया जा सकता है। तो ये दो चार क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों रेंज बार चार्ट की शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक ब्राज़ीलियन ट्रेडर है, लोकल मार्केट के, स्टॉक मार्केट के नहीं, लोकल मार्केट के ट्रेडर्स है, और उनका नाम है विंसेंटे निकोलेलिस। और इन साहब ने जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा तो अपनी लोकल मार्केट में गए, आसपास देखा, और जब वो चीज़ों के प्राइस देखते थे तो 1995 से पहले की बात है कि जो चीज़ों के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते थे, यानी इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होता था। जब वो लोकल मार्केट में गए तो बड़े होच पोच हुआ और देखा कि भैया ये तो जज करना बड़ा मुश्किल है, मैं ये कैसे पहचानूं कि कौन सा प्राइस राइट है कौन सा प्राइस रॉन्ग है, यानी किस प्राइस के आसपास तो मुझे माल खरीदना चाहिए या किस प्राइस के आसपास मुझे माल बेच देना चाहिए, या कितने प्राइस तक मुझे किसी माल को रखना चाहिए होल्ड करके ताकि मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाऊँ। तो उसके लिए उन्होंने एक मेथड तैयार किया, इस मेथड को रेंज बार चार्ट कहते हैं। हालांकि जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा 1995 में, ये इतना फेमस नहीं था, इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन अब आने वाले सालों में हमने देखा है तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत बड़ी है। और पॉपुलैरिटी का जो मेन इसका पर्पज़ है या जो मेन रीज़न है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। यानी रेंज बार चार्ट आपको क्या बताता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये आपकी मार्केट की रेंज को क्लेरिफाई कर देता है, ये आपको बता देता है जी मार्केट चाहती क्या है, मार्केट की रेंज क्या है, मार्केट कहाँ पर आकर के खुश हो जाती है, मार्केट कहाँ पर आकर के उदास हो जाती है। तो दो चार चीज़ें ये आपको बड़े क्लियर तरीके से बताता है। तो ज़रा समझते हैं कि ये करता क्या है। बेसिकली दोस्तों जैसे कि हम रेनको चार्ट के अंदर चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए एक रेंज देते हैं, जब आप रेंज बार चार्ट को देखेंगे तो इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ कितने समय में बदली या उसका प्राइस कितने समय में ऊपर नीचे हुआ इसको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ डिनोट करता है प्राइस एक्शन को। यानी एक चीज़ की कीमत बढ़ी है तो ये आपको बताएगा, अगर एक चीज़ की कीमत घटी है तो ये आपको बताएगा, कितने समय में घटी कैसे घटी इसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप कहेंगे कि बेस्ट टाइम फ्रेम इन रेंज बार चार्ट तो कोई मीनिंग ही नहीं है, यह टाइम फ्रेम को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता, यह टाइम फ्रेम को पकड़ता ही नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है कि टाइम क्या था या कितने समय में कोई चीज़ हुई, इसको मतलब है जी प्राइस कितना ऊपर नीचे गया वो मैं आपको बताऊंगा, रेंज क्या थी प्राइस की। तो बेसिकली दोस्तों रेनको चार्ट की तरह ही रेंज बार को भी हमको एक रेंज देनी होती है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हम SBI के स्टॉक पर काम कर रहे हैं, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो स्टॉक है अप्रोक्स 100 रुपये का चल रहा है, ये एक एग्जांपल है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। तो 100 रुपये का ये स्टॉक चल रहा है SBI का, और रेंज बार चार्ट जब आप अपने चार्ट में लगाएंगे, हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या करता है। आपको रेंज बार चार्ट के अंदर अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो कोई ट्रेडर भाई आता है हमारे पास और वो कहता है जी मुझे SBI के स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, मुझे ये जानना है कि कौन सा राइट प्राइस है कौन सा राइट प्राइस नहीं है, मतलब कहाँ खरीदना चाहिए कहाँ बेचना चाहिए। तो SBI चार्ट के अंदर जब हम रेंज बार को यूज़ करते हैं तो हम इसको एक रेंज दे देते हैं। मान लेते हैं किसी भाई ने इसको रेंज दे दी 2 रुपये की, मतलब वो अब क्या करेगा, वो बड़ी सिंपल सिंप्लिसिटी के साथ वो एक काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे SBI स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू होगा तो वो एक इसको रेंज दे देगा। वो रेंज कैसे देगा, कुछ इस तरीके से एक ब्रिक्स बना देगा ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे 2-2 रुपये बढ़ना शुरू होगा ये भी ऊपर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी,
हर ब्रिक की जो रेंज है वो 2 रुपये है। जैसे जैसे 2 रुपये बढ़ रहा है ब्रिक भी बढ़ रहा है, 102 हुआ, 102 से 104 हुआ, फिर 106 हुआ, 107 हुआ, और जैसे ही सॉरी 108 हुआ, राइट। तो जैसे ये डाउन होना शुरू होगा वो क्या करेगा, वो उसको नीचे की तरफ दिखाना शो कर देगा हर 2 रुपये के नीचे। यानी रेंज आपने सेलेक्ट करी, आप इसको 1 रुपया रेंज देंगे, ये 1-1 रुपये रेंज के हिसाब से कैंडल्स जो कहते हैं, या आप कुछ भी कह लीजिए, बार कह लीजिए, जो भी है, ये बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली दोस्तों ये आपको इंडिकेट करता है कि जो SBI का स्टॉक है वो कितना ऊपर या कितना नीचे जाता है। तो जब कोई नया ट्रेडर आता है जिसको कुछ नहीं पता कि मार्केट का राइट प्राइस क्या है, तो जब वो एक बार रेंज बार चार्ट को देख लेता है, तो ये ऊपर नीचे जाने की जो प्रक्रिया है, या ऊपर नीचे जाने का जो दिख रहा है पैटर्न उसको सामने, उसको ये पता लग जाता है कि मार्केट कहाँ पर आकर के तो बॉटम बना रहा है और कहाँ पर आकर के हाई बना रहा है। और जब उसको ये पता लग जाता है तो सिंपल हो जाता चीज़ें कि भैया मुझे यहाँ तो खरीदना चाहिए था और यहाँ बेचना चाहिए था, यहाँ खरीदना चाहिए था वापस, फिर यहाँ बेचना चाहिए था। तो यानी रेंज बार चार्ट का सिंपली मतलब है बाज़ार की रेंज इंडिकेट कर देना, आपको बता देना कि बाज़ार की रेंज क्या है, और उस रेंज के हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन ले। दूसरा अदर फायदा यह है कि रेंज बार अगर टूट रहा है, अगर रेंज मार्केट का जो प्राइस है वो अपनी रेंज से बाहर जा रहा है, तो ये भी आपको बता देगा जी मार्केट का जो प्राइस है वो अपनी रेंज से बाहर जा रहा है, यानी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है या मार्केट का जो क्राइटेरिया है प्रॉफिट का वो बढ़ गया है। तो आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन लेने चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ आके रुक रहा है, और प्लस जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लाइक हेड एंड शोल्डर है, हम ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम एक कंसोलिडेटेड रेंज का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, एक नैरो रेंज का इस्तेमाल करते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़े अच्छे से क्लेरिफाई कर देता है। दूसरा, रेनको चार्ट के अंदर एक प्राइस लैग होता है थोड़ा सा, इसके अंदर वो प्राइस लैग भी नहीं होता, वो हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस लैग कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर की जा सकती है। तो हम एक बार प्रैक्टिकली चार्ट में देख लेते हैं SBI की, और देख लेते हैं कि भैया कैसे दिखता है, कैसे काम करेगा, सेटिंग्स वगैरह क्या होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ गए SBI के चार्ट में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डिस्प्ले के ऊपर एक क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शंस आ जाते हैं चार्ट्स के, जिसमें आपको हाइकेनेशी, कागी, लाइन ब्रेक, रेनको, डिफरेंट डिफरेंट जो है चार्ट्स अवेलेबल है। हम लगभग सबकी बात कर चुके हैं, शायद एक आधी कोई बचाओ। तो रेनको चार्ट के नीचे है बिल्कुल रेंज बार चार्ट, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, हम रेंज बार चार्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको प्लॉट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो पैटर्न्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जो पहले कैंडल स्टिक चार्ट था उससे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। अब इस पैटर्न में आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो एक बार सेटिंग्स देखिएगा, तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक चार्ट ने एक फिगर ले ली है, वो ले लिया 9.9 की। यानी ये क्या कह रहा है, जब SBI का स्टॉक 9.90 रुपये ऊपर जाएगा तब ये एक कैंडल बनाएगा, और 9.90 रुपये जब नीचे जाएगा तब ये एक कैंडल बनाएगा। तो हम इसको अपनी तरफ से भी क्या करते हैं, हम इसको 10 की फिगर दे लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के हिसाब से काम करना है, आप अपने हिसाब से भी रेंज दे सकते हैं। तो 10 की फिगर देंगे, एंटर करेंगे, तो वो उस हिसाब से क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाता है। तो जब एग्जिस्ट हो गया दोस्तों तो बड़ा ही सिंपल दिख रहा है, ज़रा आप यहाँ देखेंगे तो जैसे जैसे मार्केट 10-10 रुपये बढ़ रही है, और ये भी आपको 10-10 रुपये से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी हर कैंडल का जो हाई और लो का बीच का डिफरेंस है वो 10 रुपये ही है, जो हमने सेट करा है, जो आप सेट करेंगे वही रेंज आपको बताएगा। इसको टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है, 1 दिन का टाइम फ्रेम ले लीजिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसको टाइम से मतलब ही नहीं है, इसको सिर्फ मतलब है प्राइस से। प्राइस जितना ऊपर नीचे होगा ये उतना ही ऊपर नीचे आपको चार्ट को दिखाएगा, राइट। हालांकि आपको दिख रहा होगा कि भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइम और डेट चेंज हो रही है, वो चार्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है उस हिसाब से, लेकिन इसको मतलब नहीं है। तो अगर आप देखें तो सिमिलर साइज होता है, सिमिलर सब कुछ है। अब इसमें और रेनको में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है, वो डिफरेंस ये है कि इसमें शेडो बन रही है। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कुछ शेडोज आपको दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे कि शेडोज क्यों है। तो शेडो दोस्तों इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइस लैग थोड़ा कम है रेनको के मुकाबले। प्राइस लैग कम होने की वजह से क्या होता है, ये क्लोज को डिनोट नहीं करता है लेकिन प्राइस एक्शन को प्रॉपरली डिनोट करता है, तो इसलिए ये शेडोज बनती है ताकि थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन बन सके।
तो क्लोजिंग जो है इस कैंडल्स की, ये डिपेंड करती है नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे। तो आप ध्यान दीजिए, कोई भी कैंडल जो क्लोज हो रही है, जैसे कि मान लीजिए ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, तो ये कहाँ क्लोज हुई इस पे ध्यान दीजिए, या अप्रोक्स जहाँ क्लोज हुई है वहीं दूसरी कैंडल ओपन भी हुई है, ये जहाँ क्लोज हुई है वहीं दूसरी कैंडल ओपन हुई है, ये जहाँ क्लोज हुई है वहीं दूसरी कैंडल ओपन हुई है। ये देखिए, जहाँ जहाँ ये अगली कैंडल ओपन हो रही है क्लोजिंग वहीं से है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको देखना क्या होता है, लो एंड हाई एंड लो इसमें मेन चीज़ है जो देखने वाली होती है। क्लोजिंग देखने की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये बताता ही नहीं है। तो ये सिर्फ जो पैटर्न आपको इंडिकेट करता है, ये इस बेसिस पे करता है कि अगली कैंडल की ओपनिंग कहाँ होगी, उस हिसाब से ये क्लोजिंग आपको डिनोट करता है। तो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, उसकी वजह से ये शेडोज बन जाती है। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि रेनको चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इसमें प्राइस लैग कम है। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये शेडो क्यों बना रहा है। शेडो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि हाई लो तो आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि लो और हाई क्या है, प्लस जो शेडो है वो डिपेंड करती है अगली कैंडल की ओपनिंग पे। जहां उसकी ओपनिंग होगी वहीं पहली वाली कैंडल की क्लोजिंग ये शो करता है, राइट। और अगर हम देखें कि भैया क्या यूज़ है, तो यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मार्केट यहाँ पर आके रुकी थी, मार्केट दोस्तों यहाँ आके रुकी थी एग्जैक्ट, अगली बार भी मार्केट यहीं आके रुकी। तो यानी अगर कोई भाई इसमें ट्रेडिंग कर रहा है और वो ये देख रहा है कि मार्केट यहाँ आकर रुकती है, तो इसके आसपास मार्केट जब आ जाए तो एक सिंप्लिसिटी वाली बात और एक कॉमन सेंस वाली बात ये है कि हमें इस प्राइस के आसपास एसबीआई का स्टॉक खरीदना चाहिए। और अगर इससे नीचे जाता है, थोड़ा नीचे चले जाता है, तो क्या क्या कहेंगे हम कि भैया मार्केट ने अपने प्राइस का सम्मान नहीं करा, आप एग्जिट हो जाओ, अदरवाइज तो मार्केट यहाँ आकर के ऊपर जाता ही है, राइट। तो यहाँ पर संभावना क्या है, संभावना यह है कि मार्केट यहाँ पर आके रुकता है और ऊपर जाता है। तो दो बार यहाँ रुका, फिर अगली बार यहीं आसपास मौका मिलता है, अगली बार यहीं आसपास ही मौका मिलता है, और भी आपको ऐसे कई सारे मौके मिलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ आके रुका है, और इस लाइन में आप देखिए मार्केट कितनी बार आकर के रुकता है, जैसे कि यहाँ आके रुका, यहाँ आके रुका, यहाँ आके रुका, ये तीन गोले एक साथ बने, राइट, ये तीन गोले एक साथ बने, इससे आपको ये पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर आके रुक जाता है। दूसरा, अगर ऊपर की साइड भी देखें हम, तो ऊपर की साइड हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है अप्रोक्स 325 के आसपास का है, और जिसमें हमें मार्केट क्या कह रही है कि मार्केट यहाँ आके रुक जाता है। और इसमें क्या फ़ायदा है कि आप थोड़ी सी कम नॉइज़ के साथ काम किया जा सकता है, नॉइज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, बाकी अनदर और कुछ भी नहीं है। दूसरे, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो स्विंग के अंदर एक कॉमन समस्या कई बार क्या आती है कि मार्केट स्विंग तो कई बार तोड़ देता है, लेकिन तोड़ते ही रिवर्स भी कर जाता है, यानी वो फेक सिग्नल होता है। तो यहाँ पर जो फेक सिग्नल्स होते हैं ना, उसको थोड़ा सा आप रिड्यूस कर सकते हो, वो फेक सिग्नल आपको नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इंडिकेट ही नहीं करेगा। यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडिंग करना है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब ये इंडिकेट करेगा तो संभावना रहेगी कि वो एग्जैक्टली अपने सिग्नल पे ही चल रहा हो, यानी जो रॉन्ग सिग्नल है वो हल्का सा हाई तोड़कर आ गया और आपने सोचा जी एग्जिट हो जाओ या एंटर हो जाओ, तो वो सिचुएशन बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। प्लस हमारे पास कुछ सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको हम नॉर्मल कैंडल स्टिक में समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लाइक हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पर देखिए, एक हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना हुआ है, देखिए ये इसका एक शोल्डर है, ये इसका हेड है, फिर ये इसका सेकेंड शोल्डर है, और इसमें इसकी एक नेक लाइन ब्रेक होती है, और नेक लाइन ब्रेक होने के बाद पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे जानी चाहिए, और मार्केट बखूबी नीचे गया, राइट। तो ये हमें पता लग जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसके अंदर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ट्रेंड लाइन हमें सामने दिख रही है, इतनी खूबसूरत बनी हुई है, ये देखिए कितना बढ़िया ये पैटर्न बना हुआ है, देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रेंड लाइन आई है, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई है और मार्केट सीधा अप, यानी इतना बेहतरीन तरीके से आप रेंज बार से, आप सिंप्लिसिटी के साथ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स है उसको आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुछ अमेजिंग हो जाएगा, तो सिंप्लिसिटी के साथ अगर काम करना चाहते हैं, पैटर्न्स देखना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि
थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ी सी सिमिलैरिटी रेनको चार्ट के साथ देख लेते हैं, क्योंकि जब आप रेनको चार्ट को लगाएंगे इसके अंदर तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितनी नॉइज़ कम होगी ना, रेनको नॉइज़ ख़त्म कर देता है बिल्कुल। तो नॉइज़ ख़त्म करने के साथ साथ आप देखिए, कोई भी चार्ट अगर नॉइज़ ख़त्म करेगा तो उसके अंदर एक प्राइस लैग ज़रूर होगा। प्राइस लैग का मतलब ये है कि मार्केट चल तो किसी और प्राइस पे रही होगी, लेकिन जो इंडिकेशन है वो आपको क्लेरिफाई नहीं करेंगे कि एग्जैक्ट मार्केट का कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्राइस एक्शन था या आने वाला है। यानी कई बार आप देखेंगे इसको बढ़ने के लिए, इसको ऊपर नीचे होने के लिए 2 टाइम्स कन्फर्मेशन चाहिए होती है। यानी SBI का स्टॉक अगर 100 रुपये से लेकर 102 पर गया तो हमने 2 रुपये की रेंज लगा रखी है, तो कायदे से क्या है कि 2 रुपये की जो रेंज है उसको ये चार्ट इंडिकेट कर दे, उसको दिखा दे। लेकिन रेनको चार्ट क्या करता है, जब वो रिवर्सल लेता है तो रिवर्सल के अंदर उसको 2 टाइम कन्फर्मेशन चाहिए होती है। वो जब तक 103 से 104 तक नहीं जाएगा, यानी वो डबल कन्फर्मेशन पे नहीं जाएगा, तब तक उसको इंडिकेट नहीं करता, तब तक उसको शो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 रुपये का जो प्राइस रेंज है उसमें लैग आ गया, यानी वो आपको दिख नहीं रहा। तो वो लैग की वजह से कई बार ट्रेडर्स को कन्फ्यूज़न पैदा होती है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, जो लंबे समय के लिए देखते हैं, उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, इतना तो प्रॉफिट ही नहीं होता जितना लैग आ जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस वॉच कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो उसके बाद करेंगे वाइंड अप। तो स्टार्ट करते हैं पहली सिचुएशन से। सिचुएशन आ रही है कि रेंज बार आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। भैया सीधी बात है, ये प्राइस से इंडिपेंडेंट है, इसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और सेम चीज़ यही है रेनको के अंदर भी, यानी दोनों में प्रॉपर सिमिलैरिटी है। अगला इसमें आता है, इन रेंज बार्स एवरी बार इज ऑफ द सेम लेंथ इंक्लूडिंग रिवर्सल्स। रिवर्सल के साथ भी इसके अंदर जो लेंथ है वो सेम ही रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रेनको बार में डिफरेंस क्या है कि इसकी लेंथ तो सेम रहती है, लेकिन बट प्राइस मस्ट ट्रेवल 2 टाइम्स द रेनको बार इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रेनको जा रहा है, जैसे कि बुलिश था, बेरिश हो रहा है, तो उसको ड्यूअल कन्फर्मेशन चाहिए, यानी 2 टाइम्स कन्फर्मेशन चाहिए, तभी वो आपको अगली कैंडल्स क्रिएट करेगा। जो लोग रेनको बार को एक बार लगा के देख चुके हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो ये दो हमारे क्लियर हो गए। अगला इसमें आता है कि रेंज बार कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई रैंगिंग प्राइस एक्शन वेरी नाइसली। यानी मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है रेंको चार्ट में आइडेंटिफाई रैंगिंग प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से। लेकिन बट यू कैन एक्सपेक्ट फ्लैट और अपोजिट बार्स प्रिंटिंग इफ़ रैंगिंग प्राइस एक्शन कॉन्टिन्यूज़। तो बिल्कुल जो फ्लैट मार्केट है या जो कॉन्टिन्यूसली अगर चलेंगे तो उस हिसाब से इंडिकेशन होता है, इसका सिंपली मतलब ये है। अगला इसमें दोस्तों आता है, वो आता है रेंज बार कैन बी अप्लाइड टू एनी मार्केट, राइट। कर सकते हैं आप किसी भी मार्केट में रेंज बार का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मार्केट हो, और रेनको बार को भी आप किसी भी तरीके की मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास आते हैं दो और कॉलम्स, और इनको देख लेते हैं। पहला है कि रेंज बार टिपिकली हैज़ एन ओपन हाई एंड लो क्लोज। लो क्लोज अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक साथ लिए इन्होंने कि लो क्लोज। लो क्लोज का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेंज बार का जो क्लोजिंग है कैंडल का, वो आने वाली कैंडल की ओपनिंग पे डिपेंड करता है। आने वाली कैंडल की जहाँ ओपनिंग होगी, पहले वाली कैंडल की क्लोजिंग है, वहीं इंडिकेट करेगा, शो करेगा, और उसी के कारण जो है शेडोज बन जाती है। तो इसमें ओपन हाई आप देख सकते हैं, लेकिन रेनको बार के अंदर क्या है कि इफ़ मार्केट बुलिश, मार्केट अगर बढ़ रही है, तो वहाँ आपको ओपन क्लोज दिखाई देंगे, यानी मार्केट नीचे से ऊपर का तरफ दिखाई देगा। अदरवाइज मार्केट गिर रही है तो गिरते वक्त आपको हाई और लो दिखाई देंगे, यानी चारों चीज़ें एक साथ ये नहीं दिखाता है, ठीक है। और वो भी क्या है, रेंज के हिसाब से डिसाइडेड होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगला इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है, इन रेंज बार हाई एंड लो आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल्स। तो इसमें क्या है कि हाई और लो, जो लो लेवल्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, लेकिन हाई और जो लो लेवल्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन इन रेनको बार्स क्लोजिंग प्राइस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो लोग क्लोजिंग प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो रेनको बार को यूज़ करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, और जो लोग
नॉइज़ को कम करने के साथ साथ जो प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं ताकि लैग ना आए। तो वो लैग कम करने के लिए जो हाई और लो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि लैग आएगा तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो छोटी छोटी अमाउंट्स में बाहर निकलते हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी है कि हाई लो एग्जैक्ट होना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए बेटर है, लेकिन हाई लो इम्पोर्टेंट रह जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्लस हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उनको छोटे छोटे अमाउंट्स में बाहर और अंदर बाहर होना हो पड़ता है। तो यही था दोस्तों दोनों के अंदर डिफरेंस और सिमिलैरिटी। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और छोटी सी कोशिश करिए कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। इसके रिलेटेड कोई अगर कन्फ्यूज़न आपकी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने की। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।